मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को अपने दो दिन के दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं और बिरदोपुर स्थित कैलाश मठ में आयोजित कैंट विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक की। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत दुश्मनों को जवाब देने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि आज का नया भारत मैत्री निभाना जानता है तो दुश्मन की मान में घुसकर जवाब देने में भी सक्षम है। देश की आंतरिक और बाहरी सीमाएं आज पूरी तरह सुरक्षित हैं। 2014 से पहले भारत में सरकार के प्रति अविश्वास और आक्रोश का भाव था, मगर बीते 9 साल में बदलते भारत की तरक्की को हर कोई महसूस कर रहा है। पूरी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। हाल ही में पीएम मोदी की विदेश यात्रा ने भारत की बढ़ती हुई ताकत का एहसास भी करा दिया है। दो दिन के वाराणसी दौरे पर आए मुख्यमंत्री सबसे पहले कैंट विधानसभा क्षेत्र स्थित कैलाश मठ में टिफिन बैठक में पहुंचे। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अगले 2-3 साल में भारत 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। आतंकवाद की चपेट में रहने वाला कश्मीर आज शांति की नई राह पर बढ़ चुका है। जगमग करती हुई काशी वैश्विक स्तर पर आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भारत के उत्थान और वैश्विक मंच पर मानवता के कल्याण के लिए काम कर रही है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से बीजेपी कार्यकर्ताओं में विचारधारा और संगठन के प्रति आत्मीय भाव पैदा करने के लिए आज प्रदेश की सभी विधानसभाओं में टिफिन बैठकों का आयोजन हो रहा है। काशी में टिफिन बैठक में शामिल होने पर मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने 102 साल के महामंडलेश्वर स्वामी रामचंद्र गिरी से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम भी पूछा। वहीं उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन पूजन भी किया। इसके साथ ही कैलाश मठ में महादेव के मंदिर में दर्शन पूजन और जलाभिषेक भी किया। सीएम योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी में काल भैरव और काशी विश्वनाथ का दर्शन भी कर रहे हैं। ऐसी बात होती है, 3.5 करोड़ लोगों को भारत के अंदर आवाज से रखने के लिए आवाज की सुविधा का लाभ देना, 12 करोड़ लोगों को एक एक शौचालय उपलब्ध हो जाना, 48 करोड़ लोगों के लिए बैंक में खाता खुल जाना। भाइयों बहनों, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल जाना। यूपी न्यूज 9 के लिए वाराणसी से सुजीत पटेल की रिपोर्ट।